अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इसके हमने टाइप्स के बारे में स्टडी स्टार्ट की, जिसमें हमने पहला पढ़ा मोनोसैकेराइड्स, जिन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने जो सेकेंड टाइप पढ़नी है वो है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स कैसे कहा जाता है बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। जब 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो बनता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल, उसका नाम होगा ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। तो सिंपल है कि जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ेंगे तो दोबारा मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे। तो डेफिनेशन होगी ओलिगोसैकेराइड्स गिव 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब ओलिगोसैकेराइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है और इनकी ब्रेकडाउन की जाती है, हाइड्रोलिसिस पानी के जरिए तोड़ा जाता है, तो ओलिगोसैकेराइड्स टूटकर मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। कितने मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं? 2 to 9 यूनिट्स। 2 मोनोसैकेराइड बना सकते हैं, 3 भी 4 भी 5 9 तक बना सकते हैं। अगर तो ओलिगोसैकेराइड टूटे और टूटकर 2 मोनोसैकेराइड बनाए, 2 सैकेराइड बनाए, तो उसका नाम होगा डाईसैकेराइड। डाई का मतलब 2। इसी तरह अगर ओलिगोसैकेराइड टूटे और 3 मोनोसैकेराइड्स बने, तो उसका नाम होगा ट्राईसैकेराइड। इसी तरह अगर ओलिगोसैकेराइड टूटे और 4 मोनोसैकेराइड बने, तो नाम होगा टेट्रासैकेराइड। तो डाईसैकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सिंपल है। तो डाईसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाईसैकेराइड इट गिव 2 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। डाईसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है सक्रोज। सक्रोज जो है ये हमारे पास डाईसैकेराइड होता है, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। जब भी हम सक्रोज जिसका फार्मूला है C12H22O11 है, जब हम शुगर का फार्मूला भी यही लेते हैं, तो शुगर इसे कहते हैं, शुगर का फार्मूला भी यही होता है, क्योंकि हमारे पास शुगर केन से बनाया जाता है। तो बेटा नॉर्मली सक्रोज है शुगर केन होते हैं, शुगर बनाया जाता है, जो चीनी बनती है उसी से चीनी का फार्मूला भी यही होता है। तो ये डाईसैकेराइड्स होते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब इन्हें तोड़ा जाता है वाटर के साथ, तो ये डाईसैकेराइड टूटने के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। सक्रोज टूटने के बाद बनाता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनाता है, और दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करता है। जब इसे हीट अप करते हैं वाटर के साथ, तोड़ा जाता है। तो डाईसैकेराइड्स बेटा, सबसे पहले डाईसैकेराइड शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डाईसैकेराइड्स क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल है डाईसैकेराइड्स जिनके टूटने से 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं। डाई मतलब 2 लिखा हुआ है, नाम से मेंशन है, जिसे मिल टूटने से 2 मोनोसैकेराइड्स बने। और डाईसैकेराइड की सबसे कॉमन एग्जांपल है सक्रोज। सक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है, O11 होगा। ये शुगर का फार्मूला भी होते हैं, तो शुगर या सक्रोज कहते हैं, जब इसे तोड़ते हैं तो टूटने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ओलिगोसैकेराइड के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आप माइंड में एग्जाम्पल लें शुगर की, चीनी की। तो सबसे पहले जो शुगर चीनी है उसका कलर क्या होता है? वो व्हाइट कलर की होती है, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। तो पहली प्रॉपर्टी, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरी मिसाल, शुगर जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, तो लिखा हुआ है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर रिड्यूसिंग आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। जो शुगर है, जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो भी सकते हैं और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं भी है। तो ये इसके बेटा 3 प्रॉपर्टीज लिखोगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की नेक्स्ट टाइप है, वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉलीसैकेराइड के बेटा 2 क्वेश्चन बनते हैं। पॉलीसैकेराइड का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होगा मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर।
सैकराइड मतलब क्योंकि हमारे पास मोनोसैकराइड, हम यहाँ पर ले लेते हैं इसके बारे में मोनोसैकराइड्स के लेंगे हमारे पास कि पॉलीसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मोनोसैकराइड्स मौजूद होते हैं और मोनोसैकराइड 100 to 1000 हो सकते हैं। 100 to 1000 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं और पॉलीसैकराइड बनता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 मोनोसैकराइड, इनमें मोनोसैकराइड की तादाद 100 to 1000 हो सकती है, जिसकी मिसाल स्टार्च एंड सेलुलोज है। स्टार्च नॉर्मली ये पड़ा था सीरियल्स के अंदर, मतलब के अजनास के अंदर, गंदम में, राइस में हो सकता है, मेज में हो सकता है, जबकि सेलुलोज जो है ये नॉर्मली मौजूद होती है कॉटन के अंदर। कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज होती है। तो ये हमारे पास आप डेफिनेशन लिखोगे और साथ में एग्जांपल दोगे कि जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड वो क्या हो सकता है, स्टार्च या सेलुलोज हो सकता है। अब हमने आगे लिखना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज, बेटा पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आप माइंड में एग्जाम्पल ले कॉटन की, कपास की। क्या कपास की शक्ल होती है? नो। क्या उसका कोई टेस्ट होता है? नहीं। क्या वो पानी में डिजोल्व होती है? नो। तो ये तो लिखा होगा हमारे पास कि पॉलीसैकेराइड दे आर एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस, एमॉर्फस कहते हैं शेपलेस, शेपलेस, इनकी कोई शेप नहीं होती। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। एंड इनसॉल्वेंट वाटर, ये पानी में सॉल्युबल भी नहीं होते। एंड दीज आर नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होते। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी के तौर वर्क नहीं करते। जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना होगा सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बुक के अंदर इकट्ठा लिखा हुआ है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन दोनों अलग अलग पोर्शन है। तो हम आज पहला स्टडी करेंगे, पहले हम स्टडी करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज हो सकते हैं, स्टार्च हो सकते हैं, सेलुलोज है। उसके बाद हमारे पास डाइसैकेराइड, सुक्रोज पड़ा है, ग्लूकोज पड़ा, फ्रक्टोज पड़ा, ये तमाम क्या होते हैं? ये तमाम जो हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हासिल कहां से होते हैं? इनके बेटा सोर्सेज क्या होंगे, सोर्सेज क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के? तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहली टाइप मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये तो हमने पढ़ी है। ये कहां से हासिल होंगी? पहले बेटा हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जिसकी मिसाल है ग्लूकोज, जिसकी मिसाल है फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिसमें कार्बन की तादाद 3 to 9 तक होती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। पहले आपको मोनोसैकेराइड के नाम याद करने पड़ेंगे। आपने दो पहले याद किए हुए थे, एक और लिख दिया है गैलेक्टोज। सोर्सेज ये हासिल कहां से होते हैं? बेटा नॉर्मली ये हासिल होते हैं फ्रॉम फ्रूट्स। ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये मौजूद होते हैं फ्रूट्स के अंदर, या होते हैं वेजिटेबल सब्जियों के अंदर, या होते हैं हनी शहद के अंदर, या फिर सीरियल अजनास के अंदर होते हैं, गंदम के अंदर होते हैं, चावल के अंदर होते हैं, मकई के अंदर होते हैं, तो इनके अंदर ये मौजूद हो सकते हैं, ये इनका सोर्सेज होगा। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहां से हासिल हो सकते हैं? फ्रूट से, वेजिटेबल से, हनी से, या फिर सीरियल से। इसके बाद सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड मैंने थोड़ा सा टेबल बना दिया है। डाइसैकेराइड के बारे में ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बेटा ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन कि डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो कि जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। डाइसैकेराइड्स कौन से हो सकते हैं? डाइसैकेराइड हो सकता है सुक्रोज, अभी पढ़ा था हमने शुरू के अंदर सुक्रोज के बारे में पढ़ा है, सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड, ये भी डाइसैकेराइड होगा। इसके अलावा डाइसैकेराइड दूसरी एग्जांपल है लैक्टोज, या फिर है माल्टोज। सबसे पहले आपको डाइसैकेराइड्स के नाम याद करने होंगे। डाइसैकेराइड्स कौन से हो सकते हैं? सुक्रोज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ है लैक्टोज एंड माल्टोज। इनके सोर्सेज क्या है, कहां से हासिल होते हैं? बेटा जो सुक्रोज है ये हासिल होता है शुगर बीट, चुकंदर से, जिसे चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शुगर केन गन्ने में भी हासिल होते हैं सुक्रोज होता है। उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर भी सुक्रोज होता है। तो इसके 3 सोर्सेज हैं। इसके अलावा लैक्टोज,
जो कि डाइसैकेराइड है, इसका सोर्स क्या होगा? ये होता है मिल्क के अंदर या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और हो सकते हैं इन तमाम के अंदर होता है, बटर में हो सकता है। तो इसके अलावा माल्टोस, माल्टोस का सोर्स क्या होगा? सीरियल अजनास वगैरह होंगे, गंदुम वगैरह के अंदर हो सकता है ये। तो पहले से सोर्सेज याद करोगे। अब यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा कि जो सक्रोज है डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से मोनोसैकेराइड से बना होगा? सक्रोज जो है वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। वो दो मोनोसैकेराइड कौन से है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। हाइड्रोलिसिस के ऊपर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। इसी तरह लैक्टोज, लैक्टोज जो है ये भी डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा। दो मोनोसैकेराइड, और दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से बना होता है। और ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड है, कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। जबकि माल्टोज, माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस टूटने के बाद दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये बड़ा इसकी प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन पॉसिबल क्या हो गए डाइसैकेराइड्स की? पहले एग्जांपल, डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सोर्सिस अगला क्वेश्चन हो गया। फिर ये किन किन मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोलिसिस के ऊपर कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, वो एग्जाम्पल दे दोगे। और लास्ट में है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जिसके भी अपनी एग्जांपल पड़ी है, स्टार्च एंड सेलुलोज। सोर्सेस बताने हैं कहां से हासिल होंगे। बेटा जो स्टार्च है ये सीरियल क्रॉप से हासिल होते हैं, सीरियल क्रॉप्स जिसकी एग्जांपल है वीट, गंदुम, बार्ले, जो वगैरह जिसे कहते हैं बाजरा, और क्या होगा मेज, मकई से हासिल होते हैं। जबकि सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो कॉटन होता है, जो कॉटन है वो प्योर सेलुलोज ही होता है। तो कॉटन से सेलुलोज हासिल हो सकता है। तो ये बेटा हमारे पास सोर्सेज हैं, और इन सोर्सेज को एज सच आपको ये टेबल बना के याद करना पड़ेगा जहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और इसके सोर्सेज, इसके साथ इसके यूजेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।